जी इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा के सिरसा में, जहाँ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा पौधारोपण यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का अपना तरीका होता है जश्न मनाने का, लेकिन यहाँ पर इनका अंदाज एकदम से अलग है। इनका मानना है कि अगर पृथ्वी को साफ सुथरा रखना है तो यहाँ पर सबसे पहले प्रकृति को बनाना होगा। बल्कि इस तरह से गुरु जी खुद यहाँ पर मिट्टी निकालते हैं और उसके बाद खुद वो पौधारोपण यहाँ पर करते हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी को साफ सुथरा रखना है तो हरियाणी। रिकॉर्ड की बात करूं तो अब तक विश्व रिकॉर्ड यहां पर वो बना चुके हैं, क्योंकि एक दिन में लाखों करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाना ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आता है। और अहम बात इसमें ये भी है कि हर साल जिस तरह से पौधारोपण किया जाता है, हर साल यहां पर खुद अपना ही रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा के द्वारा भी तोड़ा जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि आज आखिरकार कितना और रिकॉर्ड बनता है और कितने पौधारोपण यहाँ पर किए जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है, यहाँ पर खुद उनको दबाया जा रहा है मिट्टी को, और साथ ही साथ यहाँ पर उनमें जल दिया जाता है, और इसी तरह से पूरी पृथ्वी को हरी भरी रखने की कोशिश भी की जाती है। यहाँ पर पेड़ लगाने के बाद शुरुआत करते हैं, वो भी क्यों ना कि जब सच्चा सतगुरु ही इस तरह की पहल करेगा तो और सेवादार क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे, ये भी अपने आप एक रोचक पहल मानी जाती है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी मुहिम चलाई गई थी को साफ करने के लिए, यहाँ पर एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी, उसके बाद ही सफाई अभियान इन्होंने चलाया था, और उसके बाद तो सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की भी मुहिम आगे बढ़ाने का हो चुका है। और यहाँ पर पूरा सिरसा ऐसा है जहाँ पर तमाम लोग पहुँचते हैं और जहाँ पर पौधारोपण की शुरुआत वहाँ पर की जाती है, और उसके साथ साथ जो डेरा सच्चा सौदा के जो साधारणत है जो इसके लोग हैं वो वहाँ पर विदेशों में भी जो फैले हुए हैं वो भी इस मौके को बिल्कुल नहीं भूलते, वो भी पौधारोपण भी वहाँ पर करते हैं। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब परवीन जरा दिखाइए किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और सभी लोग पौधारोपण यहाँ पर करेंगे, क्योंकि सिरसा यहाँ पर ये हरियाणा का एक शहर है, जिला है, यहाँ पर आमतौर पर सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाने का उनका एक अलग ही अंदाज होता है।